अच्छा, मैंने आप लोगों को जो है कल पर मैंने बता दिया था कि किस तरह से हमने मतलब इनिशियली 5-5, 10-10 डॉलर हमने किस तरह अर्न करने हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, करना हम लोगों ने किया है कि हर सेलर को ना, जो भी सेलर अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट्स अपनी सेल करता है या ड्रॉप शिपिंग कर रहा होता है, उसको ना रिव्यूज की जरूरत होती है। ठीक है, कोई भी सेलर ओपन करने यहाँ से देख लेते हैं। ये अच्छा, जैसे ये सेलर है, सेलर की रेटिंग कितनी है? 13। ठीक है, तो क्या होता है कि आप जब अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट्स अपनी सेल करते हैं ना, तो आपको सेल्स वेलोसिटी ना आए। मतलब सेल्स वेलोसिटी क्या होती है? सेल्स वेलोसिटी होती है कि जब आप ज़्यादा सेल्स लेते हैं ना अमेजोन के ऊपर, तो ना आपके रिव्यूज सेल्स के हिसाब से मैच नहीं कर रहे होते, आपके ऑर्डर्स हो जाते हैं 100, 200, 300, 500 ऑर्डर्स आप प्रोसेस कर लेते हो। लेकिन जब रिव्यूज़ देखते हो तो रिव्यूज़ कितने? 13। अब ये देखिए, इसके 13 रिव्यूज, इसके 4 रिव्यूज हैं, इसके 21 हैं, इसके 116। तो ये जो है ना, आपने सेल्स वेलोसिटी से बचने के लिए आपने शायद रिव्यूज़ भी लेने होते हैं। मतलब मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ कि आप हर 25 ऑर्डर पर एक रिव्यू ले लो। ठीक है, आप जब खुद भी सेल कर रहे हो ना, तो आपके जब 25 ऑर्डर आपने कंप्लीट कर लेने हैं, फुलफिल कर लेने हैं, तो आपने एक फेक रिव्यू ले लिया। क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आप किसी और स्टोर से लेके आप कस्टमर के एड्रेस पे भेज रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको जो है ना वो रिव्यू कस्टमर तो नहीं देगा, या हो सकता है दे भी दे, आप उसको फास्ट शिपिंग देते हो तो वो खुश होकर चले आपको दे देते, या आपको कोई चीज़ क्वान्टिटी भी ज़्यादा भेज देते। ठीक है, लेकिन अदरवाइज बड़े रेयर चांसेस होते हैं कि आपके अकाउंट के ऊपर ना रिव्यू आएगा, तो फिर सेलर्स को ना जरूरत पड़ती है रिव्यूज बाई करने की। ठीक है, बाई करने की जरूरत किस सूरत में पड़ती है? अब आप देखो, इसकी ना 50% पॉजिटिव रेटिंग है, 50% पॉजिटिव रेटिंग होना ऑर्डर नहीं अच्छे आते सेलर को, आपकी एटलीस्ट 80% से ऊपर होनी चाहिए। जिसका ये देखिए 77% है इसकी, इसकी 90% है इसकी, चलो ठीक है। ठीक है, इसकी रेटिंग कम है, इसकी भी कम है, और अब ये इसकी 100% पॉजिटिव है, इसने किसने रिव्यूज ले लिए टाइम। ठीक है, एक आप जब रिव्यूज नहीं ना लेते, आपके अकाउंट की अगर रेटिंग डिक्रीज होगी, किसी ने आपके अकाउंट पे नेगेटिव फीडबैक दे दिया, तो आपके अकाउंट का जो बाय बॉक्स होता है ना, जैसे ये बाय बॉक्स है ये वाला, ये इनएलिजिबल हो जाता है, आपके पास कभी भी फिर ये बटन नहीं आता बाय नाउ का, जब तक फिर आपको फिर ये दोबारा इसको विन करने के लिए ना ज़्यादा सेल्स लेनी पड़ती हैं। ठीक है, सप्रेस लिस्टिंग में आप फिर सेल करते हो, फिर आपको ज़्यादा सेल्स लेनी पड़ती हैं, तो अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। ठीक है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके आपके अकाउंट में ना बाय बॉक्स एलिजिबल होता है। मेरे साथ ये एक दफ़ा हो चुका है इस तरह, तो इस वजह से मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि आपने क्या करना, अपने अकाउंट की रेटिंग जो है ना, उसको कोशिश करना 100% पॉजिटिव रखना। तो हमने क्या करना, हमने ये सेलर्स को ना रिव्यूज सेल करने हैं। ये सेलर हमें मिलेंगे कहाँ पे? ये हमें मिलेंगे फेसबुक पे ग्रुप्स के अंदर। ठीक है,
आप लोगों ने ना ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स वाले, मैंने कभी यहाँ पे लिखा भी था भी। चले दोबारा आपने ई कॉमर्स के जो जो भी प्लेटफॉर्म हैं आपने उससे रिलेटेड ठीक है ग्रुप्स ज्वाइन कर लेंगे, ये कीवर्ड्स है ठीक है, इससे रिलेवेंट आप इसको सर्च करेंगे ना हजारों ग्रुप्स आ जाएंगे, एटलीस्ट भी 500 ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने, मतलब 10 आज ज्वाइन कर लिए 10 अगले दिन कर लें 10 अगले दिन कर लें ठीक है, इस तरह करके आप लोगों ने ना ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने ठीक है। ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे ग्रुप्स के अंदर आपको काम मिलेगा, काम कैसे मिलेगा, एक तो आप अपनी पोस्ट लगाएंगे, फॉर एग्जांपल आप लगाते हैं कि सेलर फीडबैक्स अवेलेबल फॉर अमेज़न ठीक है, कौन कौन सी मार्केट की अवेलेबल है, यूएसए मार्केट की अवेलेबल है, यूके की अवेलेबल है और कनाडा की ठीक है, तो जो सेलर यूके में काम कर रहा होगा वो आपको कहेगा कि आप मुझे यूके में रिव्यूज दे दें, आप रिव्यूज के कितने पैसे चार्ज करेंगे, वैसे आमतौर पर रेट 5 से 10 डॉलर चलता है, डिपेंड करता है आपकी डीलिंग के ऊपर, आप क्लाइंट को डील करें जिससे भी आप बात कर रहे हैं, या तो आप उसी कमेंट्स में बात करें, कमेंट्स से उसको इनबॉक्स में लें, इनबॉक्स में लाकर उसको डील करें, मतलब एक आपने अपना जो है वो गुडविल शो करनी है, उसको अपना इखलाक शो करना है कि आप बड़े अच्छे आदमी हो, इस तरह मतलब कि आप जो भी दिल सिंह का स्टाइल है ठीक है वो आपने कर लिया, उसके बाद क्या हुआ क्लाइंट ने आपसे रिव्यूज ले लिए, आपने उसके रिव्यूज देने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इतनी चीज समझ में आ गई कि काम किस तरह मिलेगा आपको, ग्रुप्स के अंदर आप ग्रुप्स ज्वाइन करोगे, एक आपकी फेसबुक आईडी ऑलरेडी होगी, अगर आप लड़की हैं तो आप एक लड़की के नाम से आईडी बना लें, एक्सपीरियंस करने के लिए ना कि लड़की को काम ज्यादा मिलता है लड़के को मिलता है ठीक है, जिस जगह पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो जहाँ पे आपको ज्यादा काम मिल रहा है आपने उस जगह पे ऑर्डर्स पकड़ दे लेना, ऑर्डर्स पकड़ लिए आपको ऑर्डर मिल गया, 30 रिव्यूज का, आईडीज आपके पास 6 है, 6 खुद कर लो ठीक है, तो बाकी के जो है वो अपने साथ वालों को दे दो कि इतने रिव्यूज आप कर लो इतने आप कर लो ठीक है, जो भी उसका मतलब कि आप चार्ज करो क्लाइंट से आपने वापस में डिवाइड कर दो, समझ गए बात को, पर डे अगर आप एक रिव्यू करते हो, एक रिव्यू किसी को भी सेल करते हो ना $5 का, तो आपने टारगेट बनाना कि आपने डेली एक रिव्यू दे देना ठीक है, कितने बन जाएंगे आपके मंथली 30,000 रुपीज आपके ये मंथली फिक्स हो गया ठीक है, सिर्फ एक रिव्यू देने से पर डे एक रिव्यू सेल करने से ठीक है, और ये इनको जरूरत पड़ती रहती है ठीक है, इनकी मजबूरी है। अच्छा ये चीज हो गई, तो रिव्यू देने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना, अमेज़न पे अच्छा इधर आ गए, तो अमेज़न पे इस तरह नहीं आपने आना, आपने सबसे पहले क्या करना, एक ना क्रोम की प्रोफाइल बना लेनी है, कैसे बनेगी देख ली सब लोग, ये यहाँ पे आपको इमेज नजर आ रही है आइकन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऐड करोगे, वो कह रहे सेट अप अ न्यू क्रोम प्रोफाइल कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट, आपने यहाँ पे उस आईडी का नाम लिख लेना है, अगर आप यूएसए में रिव्यू दे रहे हैं तो आप यूएसए बायर आईडी लिख लें, यूएसए बायर आईडी नंबर 2 लिख लें, पहले 1 मैंने बना ली है मैं 2 बना लेता हूँ ठीक है, 2 आईडी तो आपने यूएसए के अंदर बना लेनी है, इसी तरह जब आप यूके की बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे यूके बायर आईडी, नंबर 1 है ये नंबर 2 है, आपको याद रहेगा कि आपने 1 से ऑर्डर की है 2 से ऑर्डर की है ठीक है। अच्छा साथ इसका एक डेस्कटॉप पे आइकन भी क्रिएट कर लें, कलर सेलेक्ट कर लें यहाँ से जो आपको पसंद है ठीक है, डन कर लें,
दोबारा से क्रिएट करने में अच्छा ये देखिए ये क्रिएट हो गई है ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं गेट स्टार्टेड, आपने क्या करना है यहाँ पे ना आपने सर्च कर लेना VPN ठीक है। अभी आपने अमेजोन ही ओपन करना है यहाँ पर ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है VPN इंस्टॉल कर लेना VPN ठीक है। ये VPN नोट करने अपने पास USA के लिए VPN कर लें, UK के लिए भी कोई भी VPN मतलब आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। अर्बन कर लें आप कनाडा के लिए अर्बन VPN ठीक है। ये VPN आप लोगों ने यूज कर लेना है। UK के लिए भी कोई ना कोई बस देख लीजिएगा बेशक VPN नहीं कर रहे वो लोकेशन आपकी चेंज हो जाएगी। अच्छा आप क्या करेंगे आपने VPN कर लिए या अर्बन कर लें ठीक है। अर्बन VPN कनाडा में बना के दिखा देता हूँ आपको। इसको सर्च कर लेना आपने, सर्च करने के बाद आपने ना क्रोम की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है ये chrome.google.com ये लिखा रहा है आपके सामने chrome.google.com नजर आ रहा है हेलो हेलो अच्छा ये देख लें ठीक है। इसको आपने ओपन कर लिया। अच्छा ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे आप यहाँ से इसको ऐड टू क्रोम कर लेंगे। एक्सटेंशन तो आप लोगों को मेरे ख्याल आ गई होगी अब तक लोड करने के कितना एक्सटेंशन आप लोगों ने यूज करनी है। ऐड एक्सटेंशन कर लें ठीक है। एक्सटेंशन ऐड हो गई। ऐड करने के बाद आप क्या करोगे आप यहाँ से इसको एक्सटेंशन को पिन कर लोगे। यहाँ पे आओ यहाँ पे आके इधर से पिन कर लेंगे ठीक है। अच्छा पिन किया यहाँ पे आइकन शो हो गया। इसको आप ऑन कर लें यहाँ से। ऑन करने के बाद आप इसको आई एग्री कर लें इधर से अपनी लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए कर विश भी आप लोकेशन पे बनाना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लें ठीक है। कैनेडा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये VPN यहाँ पे ऑन हो गया। आप अपनी लोकेशन यहाँ से IP एड्रेस की चेक कर लें। IP लोकेशन लिखेंगे। लोकेशन लिखने के बाद आप यहाँ पे कोई भी व्हाट इज माय IP एड्रेस इसके ऊपर क्लिक कर दें। अभी आपको क्या बता रहा है कि आपकी लोकेशन कहाँ की आ रही है ओंटारियो कनाडा की ठीक है। लोकेशन चेंज होगी फिर अब आपने अब आपकी VPN चल रही है ऑन है ठीक है। VPN के बगैर आपने अमेजोन नहीं ओपन करना ठीक है। आईडी बंद हो जाएगी amazon.com ओपन कर लिया आपने। कनाडा के लिए बनानी amazon.ca सीए पे जाएंगे amazon.ca कनाडा ओपन कर दें। यहाँ पे आगे कनाडा का झंडा आ जाएगा ये आगे ठीक है। मैच कर लें इसे ये देख लें सेम ठीक है। अच्छा यहाँ आने के बाद आप क्या करेंगे साइन इन कर लेंगे। यहाँ आप चाहे तो इसकी थोड़ी बहुत ब्राउजिंग हिस्ट्री क्रिएट कर लें कोई भी प्रोडक्ट है दो चार ओपन करके टाइम पास कर लें इसके ऊपर। टाइम पास करने के बाद आप क्या करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे साइन इन पे। साइन इन पे आने के बाद आप क्रिएट अकाउंट करेंगे क्रिएट योर अमेज़न। अच्छा ये क्रिएट करने से पहले आपने जीमेल भी तो आपको चाहिए ना ठीक है। आपने एक जीमेल का अकाउंट भी बना लेना बनाना था ना जीमेल पे अकाउंट आपने जीमेल बना लेना आपने। जीमेल बनाने के बाद आपने क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट कर लिया।
यहाँ पे अपना कोई भी इंग्लिश नाम रख ले आप, ठीक है। जॉन क्या रखना है? जो भी आपने नाम रखना है आपने कोई भी इंग्लिश नाम रख लें यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल लिख लेंगे, ठीक है, जो भी आपने इसी ब्राउजर के अंदर बना लेना ईमेल, ठीक है। लॉगिन होगा ईमेल, यहाँ पे ईमेल लॉगिन होगा तो आपके पास ना जो भी कोड आएगा इसका वेरिफिकेशन कोड, आप फौरी तौर पर इसको वेरीफाई कर देंगे। पासवर्ड लिख लें यहाँ पे, जो भी आपका कॉमन पासवर्ड है आपको याद रहता है आप वो वाला पासवर्ड लिख लें। अगेन उसको लिख के कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद आपसे वो कैप्चा वेरिफिकेशन पूछेगा, तो वो जब पूछेगा तो फिर मैं आप लोगों को उसके आगे फर्दर गाइड कर दूंगा। सिर्फ यही प्रोसीजर है। करने के बाद अब ये आपका हो गया, यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट करने के बाद अब आप को जब रिव्यू का ऑर्डर आएगा, ठीक है, रिव्यू का आपको ऑर्डर आ जाता है तो आप क्या करोगे, सेलर जो है ना, कोई भी जो भी आपको क्लाइंट आपको कहेगा कि आपने मेरी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू दे दें, वो प्रोडक्ट ना कुछ इस तरह की छोटी मोटी प्रोडक्ट होगी, फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे छोटी प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूँ किस तरह की, मतलब कि वो प्रोडक्ट है ना आपको एसेंस सेंड कर देगा, ठीक है, जिस तरह ये 0.97 सेंट की प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को आपने ना क्या करना, उसी सेलर की आईडी से आपने इसको ऐड टू कार्ट कर लेना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आए फॉर एग्जांपल, आपको सेलर ने अपना ना सेलर ने अपना स्टोर का नाम आपको बता देगा कि ये मेरे स्टोर का नाम है, इस स्टोर से आपने ना प्रोडक्ट बाय करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट का आपको एसएन दे देगा वो एसएन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का ये एसएन है, ठीक है। वो आपको कहेगा कि ये एसएन है, एसएन को सर्च कर लें और स्टोर का नाम क्या है, जॉर्जिया, जो भी वो ऊपर लिखा हुआ था। फॉर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब आपको ऑर्डर आ जाएगा रिसीव हो जाएगा तो फिर आप लोगों को मैं यहाँ पर करके भी दिखा दूँगा, ठीक है, कि कैसा आपने रिव्यू देना। आप एसएन से या तो सर्च कर लेंगे, अदरवाइज आप उसके ना प्रोडक्ट के टाइटल से सर्च कर लें, डायरेक्ट आपने ओपन नहीं करनी प्रोडक्ट, ठीक है। आप पहले कोई अभी इधर से 2000 प्रोडक्ट्स ओपन करके देखें, आपको जब ऑर्डर आया ओपन करने के बाद आप उसी प्रोडक्ट को एसएन से सर्च कर लें। एसएन से सर्च करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट आपने ओपन कर ली, आप अगेन उसको टाइटल से उसको सर्च कर लें। अमेजोन को हमने ये तो नहीं बताना कि हम सिर्फ ये आईडी पे आए हैं रिव्यू देने के लिए, तो वो क्या करेगा, अकाउंट सस्पेंड भी कर देगा, आपका बायर अकाउंट सस्पेंड कर देगा। तो उससे अवॉइड करने के लिए आप इसको दोबारा इसकी टाइटल से सर्च कर लें। अच्छा, करने के बाद आपने आना है उसी सेलर पे, ठीक है, ये वाला सेलर था, इस सेलर की प्रोडक्ट को यहाँ से ऐड टू कार्ट कर लिया। एक तो आप आए ना यहाँ पे, आपने पेज ओपन किया, यहाँ से बाय नाउ कर लिया, ऐड टू कार्ट कर लिया, आपने उस सेलर से बाय करना है। इधर आएंगे, सेलर का ऐड टू कार्ट कर लेंगे, ऐड टू कार्ट करने के बाद कार्ट पे जाएंगे, कार्ड पे आगे यहाँ पे आपसे वो मतलब कि मजीद डिटेल्स मांगेगा कि किस एड्रेस पे डिलीवर करना है, एड्रेस कहाँ से लेना है। अगर कनाडा का एड्रेस है तो रैंडम एड्रेस कनाडा का ले लें यहाँ से, बेस्ट रैंडम से एक साइट है, इसके ऊपर आप यहाँ से आपको एड्रेस मिल जाएंगे काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ से आप स्ट्रीट सिटी जो जो भी डिटेल्स आपको चाहिए आप यहाँ से कॉपी कर लें, तो वो कॉपी करने के बाद आप इधर प्रोसीड टू चेकआउट पे आपने क्लिक किया, आगे वो देखें आपसे ना डिटेल्स मांग रहे हो, कह रहे हैं यहाँ पे ना आप मुझे डिटेल्स दे दो कि किस एड्रेस पे देना। अब ये फैजान अहमद शकूर यहाँ पे एडिटर, तो आप क्या करेंगे यहाँ से एडिट कर लेंगे, नहीं ऐड अ न्यू एड्रेस कर देना, ठीक है। एड्रेस ऐड किया, फ़ोन नंबर डाल दिया, कोई भी रैंडम फ़ोन नंबर दे देना नेट से उठा, ठीक है, अपने से ना लिखें आप नेट से, यहीं से कोई भी ये देखे ना आपके पास इधर कितने नंबर दिए हुए, कोई भी उठा लें यहाँ से। अगर यूएसए के लिए है तो यूएसए का आपने एड्रेस उठाना, ठीक है, अगर कनाडा में जा रहे हैं कनाडा को उठा लें, अगर यूके में है तो यूके का एड्रेस उठा लें,
यहीं से जैसे ये नंबर लिखा तो होगा कोई भी रैंडम नंबर दे, ठीक है, जरूरी नहीं है आपने अपना दसी नंबर देना, लेकिन जब ये अकाउंट आप क्रिएट कर रहे होंगे ना, अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तब आपने अपना नंबर देना। नंबर ऐड करने के बाद सेटिंग में जाएंगे तो नंबर रिमूव कर लेंगे कहाँ से, ये देखिए ये अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, अकाउंट पे क्लिक करने के बाद लॉगिन एंड सिक्योरिटी इसके ऊपर आएंगे, इस ऑप्शन को ओपन करेंगे ना आगे आपको नंबर के ऊपर आ रहा होगा, एडिट करके उसको रिमूव कर देंगे नंबर को, ठीक है। जब भी आईडी क्रिएट करनी, क्रिएट करने के बाद आपने उसका फोन नंबर अपना रिमूव कर लेना, फिर अगेन जो आईडी क्रिएट करनी है उसके अंदर से भी आपने नंबर रिमूव कर लेना। अच्छा, एड्रेस ऐड किया, यूज दिस एड्रेस पे क्लिक किया आपने, चले इसी को कर डिलीवर टू दिस एड्रेस कर लिया। इसके बाद आपसे पूछेगा आपके कार्ड की डिटेल्स, अच्छा वो ये पाकिस्तान का एड्रेस यहाँ पे ऐड किया हुआ, डिलीवरी नहीं दे रहा पाकिस्तान में, तो इस वजह से वो उसने ये आगे हमें शो कर दिया, अदरवाइज आपको समझ लग गई है ना, जो जो डिटेल्स मांगेगा आपने फुलफिल कर फिल करते जाना वो, और कार्ड की आपसे डिटेल्स मांगेगा कि आप किस कार्ड से बाय करना चाहते हैं, 0.97 की प्रोडक्ट है तो ये जितने भी डॉलर्स की प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की प्राइस आपको क्लाइंट देगा, ठीक है, क्लाइंट से आपने प्रोडक्ट की प्राइस विद रिव्यू की प्राइस, ठीक है, रिव्यू की जो फीस है आपकी, $5 आप चार्ज करें, 10 चार्ज करें, $2 चार्ज करें, 3 करें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, जितने भी आप उसको कन्विंस कर रहे हो, ठीक है, आपने वो भी उससे चार्ज कर देंगे, या वो आपको कहेगा कि आप पहले जो है वो प्रोडक्ट बाय कर लो, एट द टाइम जब आप रिव्यू देने लगो, जब आप फीडबैक देने लगो, उस टाइम पे आप उसको कह दो कि मेरी पेमेंट सेंड कर दो, मैं फिर तुम्हें फीडबैक दे दूँगा, ठीक है। नहीं, आप लोग इधर वाइस का कार्ड यूज करोगे, ठीक है, अब आप लोगों का वाइस का अकाउंट नहीं बना हुआ, आप सब लोगों ने क्या करना, आपने ना अपना नया पे का अकाउंट क्रिएट कर लेना, कल भी मैंने आपको बताया था कि आपने नया पे का अकाउंट क्रिएट कर लेना, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत बैलेंस भी ऐड कर लेना, 5-10 हज़ार रुपया रहना वो अकाउंट के अंदर ही है, लेकिन ये कि फॉर द सेक ऑफ लिटिल इन्वेस्टमेंट आपने उसको यूज़ करते रहना, मतलब कभी आपने 100 रुपया खर्च लिया, कभी 500 खर्च लिया, उसके साथ क्या 100 खर्चेंगे 500 आ जाएगा, हज़ार आ जाएगा, ठीक है, 50 खर्चेंगे तब 300-400 आपको आ जाएगा ना, एक लिटिल इन्वेस्टमेंट आपने की तो उसका रिटर्न आपको किस सेंस में है, फीडबैक की फीस आपको आ गई, ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस और फीडबैक की फीस ये आपने ले लेनी है किसे, क्लाइंट से, ठीक है। तो वाइस का कार्ड आपका कल से ना, आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स क्या अरेंज कर लेने, जो तो लोग 18 साल से बड़े हैं जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है इंग्लिश में, ठीक है, उन्होंने कल मेरे पास 1 by 1 आ जाना, मैं आपको वाइस का अकाउंट क्रिएट करूँगा, ठीक है, बैंक अकाउंट आपका, ठीक है, वो हम कैनेडा में भी क्रिएट कर सकते हैं, यूके में भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी कर सकते हैं, समझ लगी बात की। तो जो 18 साल से छोटे हैं वो क्या करेंगे, वो अपने किसी भी बड़े का आईडी कार्ड अरेंज कर लेंगे, साथ क्या है कि बड़े की पिक्चर एक लगेगी, वो एट दी स्पॉट हम क्या करेंगे, हम उनको ईमेल सेंड कर देंगे, ईमेल सेंड करने के बाद वो अपना फोन से ईमेल ओपन करके वहीं से फौरी तौर पर वेरीफाई करते हैं, ठीक है, जैसे लाइक आपने नया पे ही वेरीफिकेशन की थी, की हुई है वेरीफिकेशन नया पे, कैसे की थी, कार्ड स्कैन किया था और फेस स्कैन किया था, ठीक है, तो वाइस का भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है, तो ये कल से हम लोग क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं कि सब लोगों का वाइस में अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसके बगैर काम नहीं आपको कर सकते, ठीक हो गया। तो अब सब लोगों ने क्या करना है, एक तो आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लेने फेसबुक पे, ठीक है, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लेने, 10-15 आज कर लें, 10-15 कल कर लें, उसके अंदर सर्विसेज आती रहती हैं, आप लोगों को ना ग्रुप के अंदर एक मैसेज भी रिसीव हुआ होगा सर्विसेज के रिलेटेड, सर्विसेज विद चार्जेस की, किस सर्विस के कितने चार्जेज हैं, जैसे जैसे आप लोगों को एक्सपीरियंस आता जाएगा तो आप लोगों को बड़ी बड़ी सर्विसेज भी मैं सिखाता रहूँगा वक्त के साथ साथ, कि जिससे आप ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है।
ये प्रोडक्ट किसी को भी रिसीव नहीं होगी, ठीक है। या आपने ऑर्डर जब करनी है तो सेलर क्या करेगा, कोई भी फेक ट्रैकिंग लगा देगा, सॉफ्टवेयर जनरेटेड ट्रैकिंग होती है, जैसे ये सॉफ्टवेयर है, मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, गेट मोर ट्रैक्स, यहाँ से ट्रैकिंग्स आपको मिल जाती हैं, कोई भी आप ऑर्डर जब करते हैं इसमें आप लॉगिन कर लें यहाँ से, साइन अप कर लें इधर से, तो कोई भी टेम्परेरी मेल आपके पास ईमेल्स रेडी नहीं पड़ी, आप यहाँ से टेम्परेरी मेल को उठा लें, कॉपी किया, पासवर्ड आप लोगों को भी मिल पड़ेगी, कभी प्रोडक्ट आपको स्टॉक हो जाएगी अगर आपके पीछे से आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रही, आगे ऑर्डर्स बढ़े हुए तो आप भी करेंगे, आप फेक ट्रैकिंग नहीं करते, ठीक है। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता ये फेक ट्रैकिंग, आप लोगों ने इसे अवॉइड करना, उससे बेहतर यही होता है कि आप कोई भी छोटी प्रोडक्ट ना सेंड कर दो, मतलब सेंड्स में कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर लो, जो इसकी ट्रैकिंग आपको मिले आप इसकी ट्रैकिंग अपडेट कर दो, ठीक है। ये आप अभी कोर्स कम्प्लीट नहीं हुआ, आपको कोर्स सेंड से पहले पहले ये सारी चीज़ें सिखा दी जाएगी, ठीक है ना। तो वैसे आपको मैं बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर जनरेटेड ट्रैकिंग कैसी होती है, अच्छा वो पूछ रहे वेयर आर ट्रैकिंग टू यूज ट्रैक, या आपने ट्रैकिंग कहाँ भी यूज करनी है, आप उसको बता दें अमेज़न की यूज करनी है, एक्सेप्ट साइन अप कर, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन लिंक आ जाएगा, इसको रिलोड करें, ये आ गया, ओपन कर लें, लिंक पे क्लिक किया आपने, अच्छा यहाँ से आप सर्च ट्रैक्स पे क्लिक करेंगे, ट्रैक्स पे क्लिक करने के बाद क्या ये ट्रैक नहीं दे रहा है, ये वैसे ना आपको पहले ट्रैकिंग देता होता था यहाँ पे फ्री 5 ट्रैकिंग ना, हर लॉगिन पे 5 ट्रैकिंग फ्री देता था, लेकिन आपको मोस्टली अब ये इसने आई गेस वो रूल खत्म कर दिया, तो आपको बाय करनी पड़ेगी। हम लोगों ने जो सब्सक्रिप्शन ली होती हैं, ये मतलब कि 1 month एक्सेस 10,000 ट्रैकिंग के, मन मेरे 10,000 ऑर्डर है तो 10,000 ट्रैकिंग, तो अगर आपके कम ऑर्डर हैं तो 1,000 ऑर्डर है आपका, तो महीने की तरह आपकी 1,000 ऑर्डर आप कर रहे हैं, तो आपने 1,000 ट्रैक्स ले लेना। मोस्टली इसको हम यूज़ करते हैं जब हम अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करते हैं, अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करती है, अमेजोन से चीज़ परचेज की अमेजोन भी सेल करती है, ठीक है। तो आजकल अमेजोन टू अमेजोन काफ़ी सस्ती हुई है, तो इस वजह से हम लोग नहीं कर रहे, तो आप लोग भी अवॉइड करें अभी फिलहाल, तो उसमें क्योंकि अमेजोन ये फेक ट्रैकिंग आजकल क्या करते हैं डिटेक्ट कर रहे हैं, तो फेक ट्रैकिंग आप लोगों ने नहीं यूज़ करनी, उसकी जगह पर आप कोई भी वॉलमार्ट से प्रोडक्ट छोटी मोटी बाई कर, सेंट्स में प्रोडक्ट्स आपको बड़ी मिल जाएंगी, अब प्रोडक्ट अंडर $1 लिखेंगे आपको आ जाएंगे, इधर लिख लें अच्छा ऐसे नहीं बता रहा, आप यहाँ पे ना ये वाली प्रोडक्ट ले लें जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, 50 cents की यहाँ से ये मिल रही है, ये देखो 50 cents की, ठीक है। मोस्ट प्रॉबेबली ये ना अक्सर की यहाँ पे शिपिंग दे रहा होता है, आपने देखना जिसकी ना यहाँ पे डिलीवरी फ्रॉम स्टोर आ रहा है, इधर आपने ना शिपिंग वाली प्रोडक्ट ले ली, एड्रेस ऐड करेंगे जिस भी एड्रेस का आपका ऑर्डर है उसका एड्रेस ऐड कर देंगे, उसके ऊपर आप ये ऑर्डर प्लेस कर देंगे, 50 cents 54 cents लिए आपको इतना महसूस नहीं होता, ठीक है।
तो आपने इसकी ट्रैकिंग भी कर देनी, जो भी प्रोडक्ट की ऑर्डर की आपको ट्रैकिंग मिलेगी ना, आपने इसकी ट्रैकिंग वहाँ पे अपडेट कर देनी। फेक नहीं आपने यूज करनी, ये वाली ना आपने नहीं यूज करनी, सेलर यूज कर रही। आजकल आप देख रहे होगे कि आपको न्यूज मिल रही होगी कि अमेज़न ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया, ऐसे हो गए वो मोस्टली इसकी वजह से सस्पेंड होते हैं जब आप फेक ट्रैकिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो उसकी जगह आपने क्या करना है, आपने ये ट्रैकिंग इसकी अपडेट, आपने मेरे से एक दिन सवाल किया था इसका कि सर वो ट्रैकिंग का क्या हल था, ये हल। ठीक है, तो ये मोस्टली ये लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो आप लोगों ने ये किसी के साथ शेयर भी नहीं करना सिवाय अपनी ईएक्सी कम्युनिटी का। ठीक है, तो मजीद इस तरह के ना काफ़ी प्रोडक्ट्स, अब ये व्यू ऑल 99 आप जो उसी मर्जी के ऊपर क्लिक करें किसी ना किसी पे ये शिपिंग दे रहा होगा, आप शिपिंग वाली प्रोडक्ट को आप ऑर्डर करिए, देखिए शिप ड्रेस सोल्ड एंड शिप्ड बाय फ्लाम। ठीक है, इसको देख रहे ये देता है नहीं दे रहा, इसको देख अच्छा, जब आपको जरूरत पड़ेगी ना प्रोडक्ट की तभी फिर मैं आप आपको सेंड कर दूँगा, ये देखना अभी पिकअप दे रही है। ठीक है, जो शिपिंग वाली प्रोडक्ट्स होंगी आपने सुने काफ़ी बड़ी है, क्या मतलब कैसे सर्च करेंगे प्रोडक्ट आप कैसे ले लीजिएगा, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आप प्रोडक्ट का टाइटल सर्च करेंगे, यहाँ पे उसका प्रोडक्ट का कोड होता है जिस तरह एसएन होता है वॉलमार्ट का भी एक एसएन होता है, यहाँ यूनिक नंबर होता है। ठीक है, वो यूनिक नंबर से आप प्रोडक्ट सर्च कर लेंगे आपके पास, आप उसको जिस एड्रेस का ऑर्डर है उसी एड्रेस पे आप उसको शिप कर देंगे। जब इसकी बारी आएगी तो इसको डिस्कस करेंगे, भी आपके लेक्चर्स हैं इसके ऊपर। तो अब इससे आगे क्या होगा कि जब वो आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर प्लेस किया, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, उसके बाद सेलर क्या करेगा, वो ट्रैकिंग एक आपको दे देगा। अब वो ट्रैकिंग, अब फॉर एग्जांपल आज क्या डेट है 11, तो वो ट्रैकिंग अब डिलीवर हो रही 12 को या 13 को, आपने 13 को देख लेना आपका ऑर्डर अगर वहाँ पर डिलीवर शो हो रहा है, उसके बाद आप सेलर को फीडबैक दे दोगे। ठीक है, सेलर की प्रोफाइल आप फीडबैक के जरूर से अपने चार्ज कर दो। ठीक है, तो अब आपने क्या करना, एक तो अपने अकाउंट क्रिएट कर लें, दो यूएसए में क्रिएट कर लें वीपीएन लगा के, ठीक है, दो कनाडा में कर लें और दो यूके में कर लें। ठीक है, अब आप कितने लोग हैं, दो 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 मिला के आप तकरीबन जो है वो 500 रिव्यूज ईजीली मैनेज कर लेंगे। ठीक है, पर डे। ठीक है, फिर उसके बाद आप ग्रुप में पोस्ट लगाएंगे अपनी फीडबैक्स अवेलेबल या और भी जो भी सर्विसेज आप, अगर आप बड़ी सर्विसेज भी सेल करते हैं तो उसके ऊपर आप कमीशन चार्ज कर लें अपना। फॉर एग्जांपल आप 20% ऑफ रख लेंगे, $100 का ऑर्डर, ठीक है, आपको $100 का ऑर्डर मिल गया, $20 आप चार्ज करें, $80 जो काम करेगा वो
चार्ज करेगा, ठीक है। तो लाइक इनिशियली आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, समझ गया ना बात, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं हुई तो डॉलर आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इसको पता है ऑलरेडी, जो बच्चे आपसे पहले वाला बैच है उनको मैंने इसी तरह ही स्टार्ट करवा दिया था। आगे फिर उन्होंने बड़े बड़े ऑर्डर्स लेके जितना भी मतलब कि वो पर डे के हिसाब से अपना कोई 10-20 हज़ार रुपया कमा ही रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग किस तरह कमा सकते हैं, स्टार्ट करें। ये क्या मैंने अर्बन कनाडा के लिए यूज करने हैं।